हाँ बोलो। काम हो गया सर? शक तो नहीं हुआ उसे? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल के शक हुआ है। अगर शक हुआ होता तो शोर कर देती। गुड, अब इससे पहले कि वो शोर करे तुम जाकर बता। मैं सर? हाँ तुम। लेकिन सर अगर किसी ने रोका या पुलिस वुलिस का चक्कर हो गया तो तुम्हें मालूम है कि क्या कहना है। ठीक है सर। महापारा, अभी इसी वक्त यहां से चले जाए वरना मैं आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगी। कितनी क्यूट लगती हो ना, कितनी मासूम लगती हो इस तरह की धमकियां देते हुए। लेकिन सच बताओ, तुम जितना गुस्सा करती हो ना, मुझे तुम पे उतना ही प्यार आता है। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अपना तजुर्बा ही काफी है। क्या कर लोगे? तेजाब फेंकोगे? फेंक कर तो देखो। कितनी जालिम हो तुम। अरे पगली, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर जी उठता हूं, तुम पर तेजाब फेंकने का सोच भी नहीं सकता। जानती हूं, तुम्हारे जैसे बुजदिल लोग सिर्फ लोगों के चेहरे पर कीचड़ मलना जानते हैं। तेजाब फेंकने के लिए तो हौसला चाहिए होता है ना। मेरी हिम्मत तो तुम पहले से जानती हो, मैं आज भी वही सोहेल हूं जो पहले था। अरे फरीद साहब, आप यहां? अरे कुरैशी साहब, मैं आपके पास ही आने वाला था। खैरियत? सर बस आपकी अमानत पहुंचाने आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। वो डायमंड्स दे दिए मैंने, बस अब आप हमारी। एक मिनट, एक मिनट, कौन से डायमंड्स और किस अमानत की बात कर रहे हैं आप? ओह, मुझे ये बात शायद ध्यान नहीं करनी चाहिए थी, ये जगह मुनासिब नहीं है, किसी ने सुन लिया तो। सर मैं चलता हूँ। किस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं है और कोई क्या सुन लेगा? सर वो मापारा मैडम कह रही थी कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है तो इसलिए आप लोगों का तो हक बनता है कि शेयर रखें। शेयर? ये मिस महापारा ने कहा आपसे? जी जी, मैंने डायमंड्स भी दे दिए उन्हें। डायमंड्स? और क्या काम इस महापारा ने? वो कह रही थी कि बस अब वो हमारी डिमांड पूरी कर देंगी। फजल बिल्डर की आप लोगों ने जो बदनामी की है झूठी, वो उसे खत्म करवा देंगे।